All right, happy loading. So you don't invent great men or people, you actually discover them. ये ना बहुत सारे लोग नहीं समझते. So they keep trying to invent greatness. ये जो पूरी industry of self-help and how to is built on this whole invention of greatness. Which is great to some extent. It's great, it's a great quest to want to improve yourself, etc. But a certain level of greatness, innovation, intellect, जो आई थिंक डिस्कवरेबिलिटी में ही आएगी. और डिस्कवरी तभी होती है जब आपको व्हेन यू पुट योरसेल्फ आउटसाइड ऑफ व्हाटएवर बॉक्सेस यू हैव पुट योरसेल्फ इन. व्हाट आर दोस बॉक्सेस? द बॉक्स कुड बी अ जेंडर, इट कुड बी अ रिलीजन, इट कुड बी अ कम्युनिटी, इट कुड बी अ सिटी, इट कुड बी व्हाटएवर. यू हैव टू गेट आउट ऑफ व्हाटएवर योर कम्फर्ट जोन इज एंड काइंड ऑफ मीट पीपल आउटसाइड ऑफ इट. एंड यू हैव टू मीट लॉट ऑफ पीपल. व्हेन यू मीट लॉट ऑफ पीपल देन मे बी यू विल मीट दैट वन ब्राइट स्पार्क ऑफ जीनियस और दैट वन ब्राइट स्पार्क ऑफ ग्रेटनेस. एंड आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ enhance human experiences to meet such people and to basically either work with them, learn from them, interact with them, just have a chat with them. They will expand your worldview and in a way that no book can, maybe sometimes even a lived experience cannot. And ye quest kafi interesting quest hai because you're not necessarily looking for ideas and philosophies, you're looking for people who kind of embody this quality called greatness, right? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये बहुत वास्ट है, ये मोरालिटी से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, ये बिल्कुल भी आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड नहीं करती, आपके एजुकेशन स्टेटस पे डिपेंड नहीं करती. आपको पता चलेगा व्हेन यू मीट अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पर्सन. उसका एक कीप सेइंग दिस, उसका एक देयर इज अ आई डोंट नो फ्लेवर टू अ पर्सन लाइक दिस. एंड ऐसे बहुत कम आपको जिंदगी में लोग मिलेंगे जिनको आप बोलेंगे कि हाँ आई थिंक आई टच ग्रेटनेस व्हेन आई मेट दिस पर्सन. मेरी जिंदगी में आई थिंक ऐसे एक या दो लोग ही हैं एंड आई लिटरली मेक इट अ पॉइंट टू मेक श्योर दैट आई मीट इन अ वीक एटलीस्ट 6 to 7 न्यू पीपल हु आर नॉट नेसेसरली पार्ट ऑफ माई वर्ल्ड व्यू, नॉट नेसेसरली पार्ट ऑफ माई जॉब, नॉट नेसेसरली पीपल आई एम कम्फर्टेबल मीटिंग, नॉट नेसेसरली समबडी आई अंडरस्टैंड. देर जस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. दे कुड बी यू माइट मीट दम विद एज अ चांस, यू माइट मीट दम हैपहैज़र्डली, यू माइट मीट दम इन अ टैक्सी, दे माइट बी, यू माइट मीट दम इन अ वेरी वेग एनकाउंटर. But that ability to keep your heart open to meet these people and appreciate them, अगर वो cultivate कर ली जाए, imagine कितनी सुंदर है दुनिया और कितनी अच्छी होगी ज़िंदगी. So again, repeating, you cannot invent great people, you discover them. So here's to a journey of discovery, and happy Dori again.